जिस तरीके से कुछ दिन पहले केजरीवाल चुनौती दे रहे थे सरजिल इमाम को गिरफ्तार करके दिखाए, कल गिरफ्तार कर लिया गया है सरजिल इमाम को, क्या आप संदेश देना चाहते हैं जिस तरीके केजरीवाल ने क्या अपनी तरफ से ढीला ढाला समझ रखा है भारतीय जनता पार्टी की? हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये दुष्टों के लिए वज्र से ज़्यादा कठोर है और जनता के लिए फूल से ज़्यादा कोमल है। अब सरजिल इमाम गिरफ्तार है और देश के खिलाफ जो भी इस तरह की साजिश करेगा, टुकड़े टुकड़े की बात करेगा, वो काल कोठरी में ही सड़ेगा। सर, शाहीन बाग जो है वो दिल्ली में लगातार लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, देश भर में जगह जगह शाहीन बाग बनाए जा रहे हैं, वैसा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, उनको उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? भ्रम फैला के देश को दंगों और हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश है केवल वोट बैंक मजबूत करने के लिए। लेकिन मैडम सोनिया गांधी और राहुल बाबा, सीए तुमने पढ़ा, एक लाइन पढ़ी है सीए की, बता तो दो कहाँ लिखा हुआ है कि भारतीय मुसलमानों को बाहर निकाला जाएगा? केवल भ्रम फैला रहे हैं, इसलिए कि एक वोट तो हमारे पास कम से कम रहे, ये ज़्यादा दिन तक तुम्हारे बहकावे में नहीं आने वाले। देश को तोड़ने की साजिश करने वालों का साथ दे रही इस समय कांग्रेस ऐसी हरकतें करके, और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर, मध्य प्रदेश से खबर आ रही है कि कई जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसके डीएम को ये आदेश दिए गए हैं कि मंदिरों में ज़्यादा तेज साउंड ना बजे, इस तरीके की खबरें। कमलनाथ और उसकी उनकी सरकार को चुनौती दे रहा हूँ मैं, दम है तो किसी मंदिर का लाउड स्पीकर बंद करके दिखाएं, और कहीं तो उंगली उठती नहीं है। जब देखो मंदिर याद आते हैं, सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे हम। सर, एक आखिरी सवाल है कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि शाहीन बाग और इस तरीके के मुद्दों को बीजेपी भुनाना चाहती है और चाहती है कि इसमें पोलराइजेशन हो जाए। शाहीन बाग पे बिठाओ तुम और भुनाए हम, धन्यरी कांग्रेस और धन्यरी आप। तुम बिठाने वाले, तुम षड्यंत्र करने वाले, तुम भ्रम फैलाने वाले, तुम हिंसा की आग लगाने वाले, तुम देशद्रोहियों का साथ देने वाले, आरोप हम पे लगाते हो। कोशिश कांग्रेस वोट बैंक को बनाने का कर रही है, भारतीय जनता पार्टी तो देशभक्तों की पार्टी है, देश पे मरने मिटने वालों की पार्टी है। हाँ, इतना ज़रूर हम कहते हैं कि देशद्रोहियों का साथ दोगे तो देश की जनता नहीं छोड़ेगी और देशद्रोहियों को हमारी सरकार नहीं छोड़ेगी। सर, आज परवेश वर्मा और अनुराग ठाकुर को चुनाव आयोग ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट से बाहर कर दिया, ऐसा आदेश दिया, उन्होंने कुछ बयान दिया, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। धन्यवाद।